हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे। और मैं आपका दोस्त भाई इसरार अहमद, और मेरा होम टाउन चूँकि मुजफ्फरपुर है, मैं मुजफ्फरपुर में मरवन ब्लॉक का रहने वाला हूँ, और इसीलिए मैं अपने आसपास की प्रॉपर्टी का वीडियो ज़्यादातर अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, ताकि अपने होम टाउन के कस्टमर के पास मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकूँ। और अभी फिर मैं एक बार इन्फॉर्मेशन लेकर के हाज़िर हूँ आप सबके लिए। अभी मैं नया वाला 4 लाइन से लगा हुआ चिकनौटा जगह है, यहाँ पर खड़ा हूँ शाहपुर के ठीक अपोजिट में, और मेरे सामने करीब 200-300 मीटर पे नया वाला 4 लाइन है। ये वही 4 लाइन है जो कांटी कपरपुरा से लेकर के मधौल पटना रोड में कनेक्टेड है। बीच में देवरिया रोड क्रॉस करती है ये, और फिर उसके बाद रेवा रोड क्रॉस करती है। मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ, ये नया वाला 4 लाइन है सामने, और बाएं में मेरे सामने इस तरफ मिडिल स्कूल है चिकनौटा का, जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। और जब आप 4 लाइन से बाएं तरफ आएंगे, मुजफ्फरपुर से आते हुए बाएं तरफ अंडरपास से आएंगे, तो वही 200-300 मीटर चलने के बाद अपने पास ये लेफ़्ट हैंड में ये प्रॉपर्टी है। फ्रंट में 10 कट्ठा ज़मीन है ये, और पीछे भी कुछ एक्वायर करने की प्लानिंग चल रही है। और जैसा फ्रंट में 10 कट्ठा ज़मीन में देखें, तो फ्रंट में ये गेट लगा हुआ है लोहे का, और पाइलिंग किया हुआ है, लोहे के तार से घेरा हुआ है, और यहाँ से लेकर के केले के पेड़ तक इसका फ्रंट है, तो करीब 80 फीट या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ये फ्रंट, बाकी एग्जैक्ट तो नक्शा में पता चलेगा। तो इसमें हम लोग, हो सकता है कि इसको एज़ इट इज़ बेच दें, या फिर इसको डेवलप करके बेचें प्लॉटिंग करके। तो जैसा भी हो, आपको फिर से एक बार अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। फ़िलहाल अपने पास चिकनौटा में ये 10 कट्ठा प्रॉपर्टी है, जो कि सेल पे है और रजिस्ट्री प्लॉट है। इस पर जैसे चाहे प्लानिंग कर सकते हैं। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होकर के इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, फिर जैसे चाहें फर्दर ज़मीन मालिक से इसकी मीटिंग कराई जाएगी, या फिर वो हम लोग प्लान कर लेंगे कैसे करना है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे अपने बारे में बताएंगे, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इसमें फिट बैठेंगे तो हम आपको कॉल पर डिस्कस करके इन्फॉर्मेशन देंगे। अदरवाइज़ फिर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो फिर उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीछे आम का 2-3 पेड़ है, आम का नहीं है, लीची का है। तो ये देख रहे हैं पाइलिंग किया हुआ है, और बाएं तरफ भी घर बने हुए हैं, दाहिने तरफ भी घर बने हुए हैं। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। मैं यहाँ का व्हाट्सएप लोकेशन भी शेयर करूँगा आप सबसे, और कोशिश करता हूँ ये कि मिडिल स्कूल की आपको बाउंड्री दिख सके। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे सामने में रेड कलर की जो थोड़ी सी दीवार दिख रही है, वही मिडिल स्कूल है चिकनौटा का। तो 4 लेन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अगर हम लोग इसको प्लॉटिंग भी करते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अच्छी मानी जाएगी। ये घर बनाने के लिए बहुत सफिशियंट जगह है। रेट के बारे में हम लोग मिल के डिस्कस करेंगे, जो भी भाई लोग इंटरेस्टेड हों वो प्लीज़ विज़िट करेंगे। इस तरफ मोहल्ला है, ये चिकनौटा मोहल्ला है, अच्छी आबादी है यहाँ पे।